हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो इंटीग्रल कैलकुलस के बाद लास्ट में आता है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान रखेंगे जिनका भी ड्रीम है ग्रेजुएशन में हायर मैथ्स की तरफ या फिर इंजीनियरिंग कोर्सेस में तो वहाँ पर इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ठीक है मतलब आप ऐसे समझिए कि थोड़ा सा भी इंजीनियरिंग का बढ़िया पार्ट आप देखेंगे ना तो वहाँ डिफेंसल इक्वेशन आ ही जाता है करीब करीब ठीक है तो ये है क्या चीज़ और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल आइडिया लेते हैं तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए कहता है कि इक्वेशन विच कंटेन्स द डेरिवेटिव और डेरेवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफेंसल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव derivative या डेरेवेटिव मतलब एक या एक से ज्यादा डेरिवेटिव मौजूद हो उसको हम लोग डिफेंसल इक्वेशन कहते हैं ठीक है और ये जो इक्वेशन है डिफेंसल इक्वेशन इसके दो पार्ट होते हैं इसमें दो तरह के होते हैं एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट में ओडी लिखते हैं और दूसरा होता है पी डी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑर्डिनरी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव रहता है जिसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो बात समझेंगे जैसे y एज ए फंक्शन ऑफ x हो तो इसमें x क्या है एक ही वेरिएबल है x या z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t तो यहाँ इंडिपेंडेंट वैल्यू कितना है t है तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरेबल अगर एक है और ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है इक्वेशन में तो उसको कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेकिन ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव हो जिसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं कि z एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप निकालते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ठीक है तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यू यहां दो है यहाँ तीन है ऐसे केस में अगर पहले वाले का अगर डेरिवेटिव निकालें तो ऐसा लिखाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स ये पार्सल डेरेवेटिव हुआ जिसमें वाई कॉन्स्टेंट है इसी तरह से डेल जेड अपॉन डेल वाई इसमें क्या हुआ पार्सल है तो ऐसे डेरेवेटिव अगर इन्वॉल्व होते हैं इक्वेशन में या ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव जिसमें नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होता है वैसे डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है ये हायर सिलेबस की चीज़ है जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज जाएंगे तो सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई होगी या ग्रेजुएशन में शायद ये पार्ट टू पार्ट थ्री में होती है तो हमें केवल ओडी ही पढ़ना है आई आई टी एंट्रेंस का सिलेबस में केवल ओडी ही पढ़ना है अब इसके लिए क्या है कि हमें दो चीज़ें पहले बेसिक्स में जाननी पड़ती है एक ऑर्डर होता है टर्म इसमें डिफरेंसियल इक्वेशन और एक डिग्री होता है ये दो टर्म होता है इनको समझना होता है ऑर्डर है क्या चीज तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर जो है वो डिफाइंड होता है इस तरह से कि इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन मतलब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव के जितने भी टर्म दिखाई दे रहे हैं उसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा हाइएस्ट ऑर्डर बल्कि उस डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होता है वही इक्वेशन का भी ऑर्डर कहलाता है समझिएगा जैसे डी वाई वाई डी एक्स ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये थर्ड ऑर्डर है ठीक है तो अगर मान लीजिए मैं इस तरह लिख रहा हूं कि डी वाई वाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू लॉग लॉग एक्स मान ली तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ अब इसमें दो तरह का डेरेवेटिव एक फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जिसका पार्ट टू है और एक हुआ थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या कहलाएगा कि एमंग ऑल द डेरिवेटिव टर्म्स हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये है इसका जो ऑर्डर है वही इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा इसका मतलब इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है थ्री है ठीक है अगर मान लिया ऐसे दिया जाए डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर का पावर थ्री प्लस डी वाई वाई डी एक्स ठीक है स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें फर्स्ट ऑर्डर डिरेटिव है सेकेंड ऑर्डर डेरेटिव है तो ऑर्डर इसी का ज्यादा है है ना तो ये कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है उसके बाद आता है डिग्री ठीक है तो कहता है डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन बल्कि यहां थोड़ा करेक्ट मैं कर देता हूं थोड़ा क्वेश्चन डिग्री ऑफ एन अल कह लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपको ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाइएस्ट ऑर्डर डेरेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन यहाँ पर कभी कभी कन्फ्यूजन होता है उसको तो मैं क्लियर कर देता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब पॉलिनोमियल के शक में लिखा गया हो तो हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा वो डिग्री कहलाएगा बसरते कि उस समय किसी भी डेरिवेटिव का पावर फ्रैक्शनल नहीं हो फ्रैक्शनल पावर नहीं हो ठीक है फ्रैक्शनल पावर रहेगा तो उसको पहले फ्री करना पड़ता है ठीक है तो दो चीज़ समझें जैसे मैं लिख देता हूं अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वेशन है लेकिन तो इसका ऑर्डर वन है डिग्री तो डिग्री अभी डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि फ्रैक्शनल पावर आ गया तो ये स्क्वायर करेंगे होगा अब इस डी वाई डी एक्स का पावर कितना है वन है तो वन इसका डिग्री हो जाएगा ठीक है तो डिग्री डिसाइड करते समय जितना भी डेरिवेटिव टर्म है उसको फ्रैक्शनल पावर से पहले फ्री कर लेंगे जैसे अभी इसी को देख देखिए इसमें किसी भी डेरिवेटिव का पावर फ्रैक्शन में नहीं है हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा वो डिग्री होगा जैसे इसको देखेंगे तो इसका डिग्री कितना है हाइएस्ट ऑर्डर डेरेवेटिव का पावर वन है तो वन इसका डिग्री हुआ यहाँ हाइएस्ट ऑर्डर डरेवेटिव टू है लेकिन इसका पावर थ्री है तो यहाँ डिग्री क्या कहलाएगी थ्री हो जाएगी ठीक है लेकिन अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिख दू कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर टू बाई थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस डी वाई वाई डी एक्स तो इसका हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड है और ये फर्स्ट ऑर्डर है है ना तो हाइस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हुआ तो इसका जो ऑर्डर हुआ यानी टू टू जो ऑर्डर हुआ वही इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शनल पावर है ठीक है तो दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए अगर दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो ये वन वाई थ्री हट जाएगा यहाँ क्यूब आ जाएगा ठीक है अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरेटिव ये था कि तो इसका जो पावर है वो डिग्री हो जाएगी तो डिग्री कितना हो गया टू हो गया ठीक है लेकिन जो टर्म यूज हुआ कि अल्जब्रिक अलजेब्रिक कहने का सेंस क्या है इसको समझिएगा ऐसे भी डिफ्रेंस डिफ्रेंसियल इक्वेशन मिल जाते हैं जिनकी डिग्री नहीं डिफाइंड हो पाती वो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में आ आ आते हैं उसको समझने के लिए आप केवल टेंथ इलेवंथ की चीज़ समझेंगे उसी से हो जाएगा जैसे टू एक्सक्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो एक पॉलिनमियल इक्वेशन है जिसको कहते हैं क्वालिटिक इक्वेशन ठीक है इसकी डिग्री है टू ठीक है तो वेरिएबल अगर एक्स है और एक्स का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है तो इस फॉर्म में जो लिखी गई इक्वेशन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं पॉलिनॉमियल इक्वेशन इक्वेशन की परिभाषा आपको पता है, N N, है ना इक्वेशन लेकिन इसमें नंबर की जगह अगर हम लिख देते हैं लॉग फाइव या साइन थ्री ठीक है या ई e का पावर टू ये सब ट्रांसेंडेंटल टर्म से नंबर निकल रहे हैं तो क्या होगा क्या ये क्वाडिटी इक्वेशन रहेगा बिल्कुल रहेगा ठीक है लेकिन अगर हम वेरेबल यहां पर खाली डाल दें प्लस लॉग एक्स वेरेबल डाल दें यहां ट्रांसेंटल फॉर्म है ट्रांसेंडल फॉर्म चार होते हैं लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो अगर वेरेबल ट्रांसेंडल के साथ अटैच हो जाता है अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन आगे इसको क्वारिटी इक्वेशन आप नहीं कह सकते ठीक है वही चीज डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है कि अगर मुझे लिखा हुआ है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर y तो कोई दिक्कत नहीं ये हुआ ठीक है और इसकी हम डिग्री डिसाइड कर सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है डिग्री है लेकिन ऐसे ही हम यहां लिख दें इज इक्वल टू लॉग डी वाई वाई डी एक्स प्लस वाई अब क्या हुआ कि डेरिवेटिव जो है वो आ गया है किस फॉर्म में ट्रांसेंट्रल फॉर्म में आ गया है ठीक है तो अब इसकी डिग्री हम कहेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करती इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है ठीक है मान ली मैं लेता तो हूं ऐसे साइन डी वाइवा क्या होगा ये डेरिवेटिव आ गया साइन का वेरियबल बनकर या लॉग का वेरियबल बनकर जो कि ट्रांसेंटल टर्म है इसमें क्या होगा डिग्री डिफाइंड नहीं होगी ऐसे केसेस में ठीक है यही सेंस इसका है लेकिन पॉलिमल फॉर्म में जैसे ट्रांसेंडेंडल जैसे ही फ्री होगा डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू आप पावर रखना चाह रहे कियर एक्स वाई जेड साइन एक्स साइन वाई मल्टीप्लाई कर सकते हो मान लिये होल क्यू प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स ठीक है प्लस लॉग वाई इक्वल टू जीरो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें देखिए कहीं भी ट्रांसेंडेंटल टर्म के साथ डेरिवेटिव नहीं है साइन डी वाई वाडी एक्स लॉग डी वाइबा डी एक्स ई टू दॉर डी वाई वीडियो इस तरह के टर्म्स नहीं है वो क्या सब free है सब फ्री हैं फ्री अल्जबरिक टर्म की तरह हाँ साइनएक्स साइन वाई लॉग एक्स लॉग वाई रहेगा डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए इसमें तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी डिग्री मिलेगी आपको कैसे डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले देखिए कि इसमें हाइएस्ट ऑर्डर डेरेटिव कौन है हाइएस्ट ऑर्डर डेरेटिव ये है तो ऑर्डर हो गया थ्री डिग्री कितना होगा हाइएस्ट ऑर्डर डेविटिव का पावर जो है वो डिग्री होगा वह सरते की कोई भी डेरिवेटिव फ्रैक्शनल पावर में नहीं हो ठीक है तो इसमें किसी भी डेरिवेटिव का पावर फ्रैक्शन में नहीं है इसलिए ये डिग्री हो जाएगी डिग्री कितनी हो जाएगी फाइव ठीक है अब एक प्रश्न आता है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं और सॉल्यूशन क्या होता है तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच का एक रिलेशन होता है जिसमें डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए और वो रिलेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है ठीक है फिर समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल्स मौजूद हैं उन वेरिएबल्स के बीच का एक ऐसा रिलेशन रिलेशन विच डू नॉट कंटेन द डेरिवेटिव है ना बट सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन उसको कहते हैं लोग सोल्यूशन फिर उसमें दो तरह के सोल्यूशन होते हैं एक होता है जनरल सोल्यूशन एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन अगर सोल्यूशन में आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट मौजूद है तो वो हो जाता है जनरल सोल्यूशन और आर्बिट्री कांस्टेंट के बदले कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू डाल दिया जाता है ठीक तो है तो कहलाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन इसको एक छोटा समझ लीजिए जैसे मान लिया आपको दिया हुआ है डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स मान लिया ऐसे ठीक है क्या लिखेंगे डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स इसको इंटीग्रेट कर दिया होगा वाई इज इक्वल टू एक्सक्वायर वाई टू प्लस सी तो ये जो हुआ ये सॉल्यूशन कहलाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी डेरिवेटिव का टर्म नहीं है ठीक है और यहाँ वेरिएबल दो है एक सर वाई तो एक्सर वाई में एक रिलेशन मिल गया सो दिस रिलेशन इज सोल्यूशन लेकिन यहाँ सी क्या है आर्बिटरी कॉन्सेंट तो ये कहलाएगा जनरल सोल्यूशन ठीक है अब इसे मान लिए दे दिया था कि इसका जो सोल्यूशन है वो एफ जीरो टू जीरो पर सेटिस्फाई करता है या एस इक्वल टू जीरो पर वाई बराबर जीरो आता है तो हम क्या करेंगे वाई जीरो लिखेंगे एक्स जीरो है तो सी का वैल्यू जीरो आ गया अब ये लिखाया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वार वाई टू तो ये हो गया पर्टिकुलर सोल्यूशन ठीक है अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के ये इक्वेशन्स हैं जो आपको पढ़ने हैं सिलेबस में ठीक है